गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड द सब टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिवेंचर। Let's begin the lecture. सिलेबस को एक बार देखा जाए तो अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में हम दो चैप्टर्स पढ़ते हैं, एक इश्यू ऑफ शेयर्स यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पिछले लेक्चर्स में हमने देखा शेयर कैपिटल क्या होता है, उसका इश्यू कैसे करते हैं, अलॉटमेंट कैसे करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन होने की स्थिति में क्या जर्नल इंटरेस्ट पास करते हैं, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस होने की स्थिति में क्या जर्नल इंटरेस्ट पास करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की स्थिति में क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैसे करते हैं। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स इस टॉपिक में या इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे डिवेंचर्स का मीनिंग और डिवेंचर्स के टाइप्स क्या है उसको जानेंगे। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इशू कैसे करते हैं, तो इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, जैसा शेयर्स में हम इशू करते थे सेम यहाँ पे भी हम इशू करते हैं एट पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे हम शेयर्स में अदर देन कैश इशू कर सकते हैं शेयर्स को, उसी तरह से डिवेंचर्स को भी अदर देन कैश में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। शेयर का पैसा, हम शेयर्स के बारे में पढ़ते, शेयर्स का पैसा विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी रिफंडेड, बट इन द केस ऑफ डिवेंचर द अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर का पैसा हम वापस कर देते हैं। तो अगर वापस करने का कुछ कंडीशन है उसके आधार पर हम कैसे डिवेंचर्स का जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। उसके बाद हम डिवेंचर का रिडेम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, डिवेंचर वापस करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा, डिवेंचर वापस करेंगे तो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो पहला है सोर्सेज, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, नया इशू कर सकते हैं। दूसरा है पूंजी से वापस कर सकते हैं, और तीसरा प्रॉफिट से वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिडेम्पशन, वापस करने का तरीका क्या होगा, तो चार तरीका है। पहला लमसम मेथड, मीन्स लमसम पेमेंट कर देंगे। दूसरा है लमसम नहीं करके हम ड्रॉ बाय लॉटरी, मीन्स लॉटरी से हम ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम आएगा उसका पैसा वापस करेंगे। तीसरा है परचेज इन ओपन मार्केट, हम ओपन मार्केट से अपना शेयर डिवेंचर खरीद सकते हैं। और चौथा है कन्वर्सन इन टू शेयर, शेयर्स को हम डिवेंचर्स को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्शन इन शेयर्स। तो ये आपका पूरा इस चैप्टर्स का सिलेबस है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। इसके बाद ये दोनों चैप्टर्स होने के बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिवेंचर क्या होता है, तो डिवेंचर इज सिमिलर टाइप ऑफ शेयर, बट डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर इज डिवेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट ए स्पेसिफाइड डेट एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में रिपेमेंट का डेट स्पेसिफाइड होता है, किस तारीख को आपका पैसा वापस होगा, यानी कितने दिनों के लिए कंपनी आपसे कर्ज ले रही है, ये बोरोड कैपिटल कहलाता है। बोरोड कैपिटल मीन्स वैसा कैपिटल जिसको कंपनी क्रेडिटरशिप ग्रांट करके पैसा लेके आई है, तो बोरोड कैपिटल है।
और कंपनी इस बॉरोड कैपिटल पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर वो इंडिकेट करेगी एज टर्म्स। डिवेंचर से पैसा जो लाया गया उसको हम लोन कैपिटल बोलते हैं, और चूंकि इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसलिए इसको कूपन रेट भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवेंचर इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल ऑन विच क्रेडिटरशिप इज गारंटेड। रिडेम्पशन आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद इसके पैसे को वापस किया जा सकता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इवन इन द केस ऑफ लॉस, लॉस होने की स्थिति में भी फिक्स्ड रेट से ब्याज दिया जाएगा। डिवेंचर इज चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर एसेट्स के ऊपर में चार्ज होता है। प्रायोरिटी दिया जाएगा ऑन द रिपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल प्रिंसिपल ओवर शेयर कैपिटल, मीन्स डिवेंचर का वापस पहले होगा, शेयर का वापस बाद में होगा। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, सिक्योर डिवेंचर या मॉर्गेज डिवेंचर, वैसा डिवेंचर जिसके लिए कोई एसेट्स कोलैटरल या सिक्योरिटीज के तौर पे रखा गया हो। अनसिक्योर्ड जिसमें कोई सिक्योरिटीज नहीं हो। रजिस्टर्ड डिवेंचर वैसा डिवेंचर जिसमें डिवेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा गया हो। बियरर डिवेंचर वैसा डिवेंचर जिसमें कंपनी के रजिस्टर में डिवेंचर होल्डर्स का नाम नहीं लिखा गया हो। यानी इसका मतलब ये हुआ, रजिस्टर्ड डिवेंचर का पैसा उसी को मिलेगा जिसका डिवेंचर रजिस्टर में नाम है, और बियरर डिवेंचर में पैसा किसी को भी मिल सकता है जो भी डिवेंचर लेके जाएगा। रिडीमेबल डिवेंचर वैसा डिवेंचर जो वापस हो सकता है, ये रिडीमेबल जो वापस नहीं हो सकता है। एंड लास्ट वन इज कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर मीन्स वैसा डिवेंचर जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था डिवेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। चलिए फिर आगे चलते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का इश्यू हम कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर इज वेरी मच सिमिलर टू द इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे हम शेयर्स चैप्टर्स में पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पे भी डिवेंचर्स का इश्यू किया जाता है। यहाँ पे भी प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाएगा, यहाँ पे भी जो डिवेंचर का अमाउंट है वो एक बार में या लमसम में लिया जा सकता है या इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है। शेयर्स में जैसे अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन था, यहाँ पे भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ टोटल अमाउंट होना चाहिए, अदरवाइज अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर नहीं हो सकता है। कंडीशन ऑफ इश्यू, डिवेंचर पार प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में इश्यू हो सकता है, जबकि शेयर में पार प्रीमियम में इश्यू कर सकते हैं लेकिन डिस्काउंट में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे वैसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है, और डिबेंचर कैश के लिए भी और अदर देन कैश के लिए दोनों के लिए इशू किया जा सकता है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आर सेम एज इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर्स का जर्नल एंट्रीज जो है वो शेयर के जर्नल एंट्री की तरह ही है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट डिवेंचर अकाउंट इज ओपन इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट को ओपन करेंगे शेयर कैपिटल के बदले में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूज एज प्रीफिक्स। यानी डिवेंचर के सामने, डिवेंचर से जस्ट पहले हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, यानी जैसे 12% डिवेंचर मीन्स 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है? चलिए फिर जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज जो है वो सेम एज शेयर्स है। इस जर्नल एंट्री में हम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है? तो पहला जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन, नॉट शेयर एप्लीकेशन, डिवेंचर्स पढ़ रहे हैं, डिवेंचर्स एप्लीकेशन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा मिलने का एंट्री,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसा हम शेयर्स में कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे शेयर के बदले में डिवेंचर कर देना है, और डिवेंचर जहाँ भी लिखेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में लिखेंगे। तो ये पैसा मिलने का एंट्री, ये पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर करने का एंट्री। तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। जैसा हम शेयर्स में देखे थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ शेयर कैपिटल के बदले में डिवेंचर अकाउंट ओपन किया गया है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। सिमिलर एंट्रीज है जैसा आप शेयर्स में देखे थे, पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। इसी तरह से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का एंट्री 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फोर्थ वन फाइनल कॉल का पैसा, सेकेंड या फाइनल कॉल, तो ड्यू एंट्री पास करेंगे, ड्यू एंट्री 12% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, एंड पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो ये हो गया जर्नल एंट्रीज। अगर हम इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स का पैसा मांगते हैं तो सिमिलर एंट्रीज है लाइक शेयर चैप्टर। अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, जैसा हम शेयर्स में देखे थे कंडीशंस क्या था, पार प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू किया जाएगा। सिमिलरली डिवेंचर्स को भी हम इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, तीन तरीके से इस्तेमाल, तीन तरह तरीके से डिवेंचर को इशू किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। एट पार मीन्स वेन फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू प्राइस, यानी 10 का डिवेंचर 10 में इश्यू कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डिवेंचर हैज बीन इश्यूड एट पार। जर्नल एंट्रीज सेम होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये कंडीशंस अलॉटमेंट में ही अप्लाई होना है, तो 12% डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू एंट्री पास किए और पैसा मिलने का एंट्री, तो पार में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है? एक नोट दिया हुआ है कि जब पार में डिवेंचर इश्यू होगा तो देयर विल नो चेंज इन द जर्नल एंट्री। जैसा जर्नल एंट्री अभी हम चार एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल डिवेंचर का देखे, सेम जर्नल एंट्री होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड वन, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। जब हम फेस वैल्यू से ज़्यादा में इश्यू करते हैं डिवेंचर को तो वैसा इशू को हम बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि 10 रुपये के डिवेंचर को 11 में इशू किया जा रहा है, तो 1 रुपया जो ज़्यादा ले रहे हैं दैट इज प्रीमियम ऑन डिवेंचर, एंड सच टाइप ऑफ इश्यू इज नोन एज डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम इशू होने की स्थिति में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओपन करेंगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करेंगे, जैसा हम शेयर्स में करते थे सेम वही चीज़ है। जर्नल एंट्रीज देखते हैं, ड्यू एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे और पैसा मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम कब रिसीव करना है तो मान लिया जाएगा कि इट इज ड्यू अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम का पैसा कब मांगा जा रहा है तो ये मान लेंगे कि प्रीमियम का पैसा डिवेंचर के अलॉटमेंट के समय मांगा जा रहा है। थर्ड वन, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। जब डिवेंचर का प्राइस फेस वैल्यू से कम में इशू किया जाए देन इट इज नोन एज डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। जैसे 10 रुपये का डिवेंचर को अगर हम 9 रुपये में इशू करते हैं तो इस तरह के इशू को हम बोलते हैं कि डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। जैसा शेयर्स में था कि डिवेंचर शेयर्स में था कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बट डिवेंचर इशूड किया जा सकता है, डिवेंचर में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो ड्यू एंट्री यहाँ पे भी जैसा शेयर्स में हम किए थे सेम वही एंट्री है। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। जैसे हम शेयर्स में करते थे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट, उसी तरह से यहाँ पे भी करना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एंट्री सेम है, सिर्फ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे ओपन किया गया। पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और नोट दिया गया है 12 डिबेंचर ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो ओपन किया गया है उसको हम क्लोज कर देंगे बाय डेबिटिंग इनटू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बिना कैश का भी हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। अगर हम कभी एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स के लिए पैसा देना होगा, बदले में हम डिबेंचर भी दे सकते हैं। तो डिबेंचर अदर देन कैश जब इशू होगा तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों में इशू किया जा सकता है। जर्नल एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्रीज है कि हम जब एसेट्स परचेज करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद दूसरा एंट्री, अगर हम डिबेंचर इश्यू करते हैं एट पार तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम में इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर डिस्काउंट में इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 2% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दो जर्नल एंट्री पास करना होता है, एक एसेट्स खरीदने का और एक डिबेंचर इशू करने का। यहाँ पे 2A, B, C तीन एंट्रीज जो दिख रहे हैं तीनों में से कोई एक को पास करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवेन। क्लियर है? चलिए आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला, इश्यूड एट पार सिंह लिमिटेड है जो 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इश्यू करता है, जो ₹25 एप्लीकेशन, ₹30 अलॉटमेंट, ₹20 फर्स्ट कॉल और बाकी फाइनल कॉल में मांगा जाएगा। ऑल डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स वर मेड एंड ऑल मनी ड्यूज वर रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सिंह लिमिटेड। तो आपको सिंपली 8 जर्नल एंट्रीज जो था उसको पास कर देना है। इश्यूड एट प्रीमियम, यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें प्रीमियम में क्वेश्चन है, यानी कि 8 जर्नल एंट्री पास करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री में चेंजेस होगा, वहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाएंगे। इश्यू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में जब इश्यू करेंगे तो 8 जर्नल एंट्री होगा, चेंजेस कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस प्रीमियम के अलॉटमेंट के जर्नल एंट्रीज में जो ड्यू जर्नल एंट्री होगा उसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर देंगे और बाकी 8 एंट्री सेम होगा। और चौथा क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ डिबेंचर इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मीन्स वैसा इश्यू ऑफ डिबेंचर जो कैश के अलावा इशू किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंह लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम शर्मा लिमिटेड, शर्मा लिमिटेड से सिंह लिमिटेड ने 10 लाख का मशीन खरीदा। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग टू 14% डिवेंचर, 14% डिवेंचर इशू किया जाएगा शर्मा लिमिटेड के कर्ज को फुलफिल करने के लिए। पास नेसेसरी जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक ऑफ सिंह लिमिटेड इफ डिवेंचर हैज बीन इश्यूड एट पार, डिवेंचर हैव बीन इश्यूड एट प्रीमियम, डिवेंचर हैज बीन इश्यूड एट डिस्काउंट। तो तीन कंडीशंस है, तो आपको सबसे पहले मशीन खरीदने का एंट्री करना होगा, उसके बाद डिबेंचर इशू करने का एंट्री करना होगा। तो यहाँ पे जैसे अभी बताए थे 2A, B, C, तो ये दोनों तीनों एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। और नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने के लिए कितना अमाउंट शर्मा लिमिटेड को देना है डिवाइडेड बाई एक शेयर का दाम क्या है, तो उससे नंबर ऑफ डिबेंचर पता चल जाएगा। आई होप The student will be highly benefited through this lecture. Their queries and suggestions are appreciated. अगर आपको लगता है कि कुछ और ज़्यादा जानना है इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के थ्रू हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे।
थैंक यू, बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे।